कोटद्वार के श्री सिद्ध बलि मंदिर में शुक्रवार को 3 दिवसीय श्री सिद्ध बलि बाबा का वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है। बता दें कि इस महोत्सव का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूली भूषण ने किया। वही इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जो कि सिद्ध बलि मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देवी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं इस शोभा यात्रा में भाग लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूली भूषण ने भक्तों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री सिद्ध बलि बाबा का मंदिर कोटद्वार का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति अर्पित करने आते हैं। इस वार्षिक महोत्सव के दौरान हम बाबा के आशीर्वाद से अपने नगर और जीवन को समृद्ध बनाने की प्रार्थना करते हैं। रितु खंडूडी ने आगे कहा कि हम सभी भाग्यशाली हैं कि बाबा सिद्ध बलि जी के आशीर्वाद से इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बन पा रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालु से आग्रह करती हूं कि वे महोत्सव में भाग ले और बाबा के दर्शन कर अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। जानकारी के अनुसार महोत्सव के आगामी 2 दिनों में भी अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय और बाहर से आए श्रद्धालु उत्साह पूर्वक भाग लेंगे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। सभी श्री सिद्धबली बाबा जी के आशीर्वाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी शोभा यात्रा निकलने की बिल्कुल अब तैयारी है। मैं बाबा को पहले तो प्रणाम करती हूँ और अपने को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि मैं उनकी नगरी में रहती हूँ, जहाँ मैं वास करती हूँ, जहाँ वो वास करते हैं, उनका मैं प्रणाम और नमन करती हूँ। साथ ही साथ जो हमारी समिति है, सिद्धबली बाबा की जो समिति है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। भव्य कार्यक्रम को 3 दिन के लिए यहाँ पर पूरा एक महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग पधारते हैं, पूरे भारत से लोग यहाँ पधारते हैं, विदेशी यहाँ पर पधारते हैं इस महोत्सव को देखने के लिए। और उससे भी बहुत ही अच्छी चीज है कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ बच्चों का आवाजावी है, बच्चे इस महोत्सव से जुड़ रहे हैं, अपने परंपराओं को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को जोड़ने का बच्चों के साथ समिति प्रयास हर साल करती है, बहुत सफलता प्रयास करती है। उसके लिए मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ।